मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पिता पूनम चंद यादव को मुखाग्नि देने के बाद सीधे घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने धार, झाबुआ और ग्वालियर के कलेक्टर से बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीनों जिलों में हुई घटना को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित लोगों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा दिवस के अवसर पर CIED CICC कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां उन्होंने CM ने अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में नवाचारों का समावेश विषय पर संगोष्ठी के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस संगोष्ठी में देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। खास करके जन देशी भावनाओं को लेकर चलने का जो संकल्प है, खासकर रिसर्च के मामले में, ये आदिकाल से हमारी परंपरा है। काल के प्रभाव में कई हमलों के कारण से हमारी दिशा अधिक हुई है, लेकिन जो इकबाल ने कहा कुछ है बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज के अवसर पर सभी सम्मानित अतिथि, सभी साथी विभागों के सहयोग, कुछ उद्योग जगत के प्रतिनिधि, सभी मित्र आज यहाँ शिक्षक दिवस के अवसर पर अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में आज की संगोष्ठी हम सब मान के चल रहे हैं कि एक तरह से आप सब उस गुरुजनों के रूप में ही यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक प्रगति के हाईवे पर पूरी रफ्तार के साथ आगे चल रहा है और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी नवाचारों के अत्यधिक समावेश की गुंजाइश है और इसी को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ। कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिस कारण से मैं एक साथ रूप से आपसे समग्र रूप से बात करना चाहूंगा। प्रभावी और लचीले बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा सबको बदलते परिवेश में, जो प्राकृतिक आपदा और जलवायु के हर दौर से अपने आप को बचा सके, इसका सामना कर सके। नई विधाएं अपना करके निर्माण की गति भी बढ़ाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हमारा जो निर्माण होता है, जो संरचना निर्माण होता है, और देश भर में और दुनिया में निर्माण के अलग अलग मार्ग भी, एक मार्ग आज से 50 साल 100 साल पहले तक हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जो संसाधन उपलब्ध होते थे उसी से निर्माण करा करके हमारे काम चलते थे, लेकिन अभी का निर्माण का थोड़ा सा हमारा मार्ग बदला भी, लेकिन इसमें भी बड़ी संभावना है। नवाचार करते हुए कई बार हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खास करके रेडीमिक्स कॉन्क्रीट के माध्यम से, अब नई निर्माण की ओर विधा चली है। थोड़े दिन पहले हैंड मिक्सिंग से चल रहा था, RCC का निर्माण कार्य करने की, ये दो विधाएं अपने आप के सारी कहानी कह देती।